सतनाम जी वाहे गुरु साहिब जीओ महला पहला। ज्यों जोरू सिरनावणी आवै वारू वार, जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। सूचे एना आखियां बहन जे पिंडा तोई, सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया। कोठे मंडप माड़ियां लाई बैठे कर पसारिया। चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया। कर फुरमाइश खाया वेख महलत मरन विसारिया। जर आई जो बनहारिया, जर आई जो बनहारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु पातशाह जी के पावन चरणों के विच विराजमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारी सतसंगी चलो। पावन बाणी श्री आसा की वार लड़ीवार असी विचार रहे हाँ जी। 17वीं पौड़ी दी विचार चल रही है। 17वीं पौड़ी दे नाल जो गुरु नानक साहब सतगुरु पातशाह जी दे दो सलोक ने, पहले सलोक दा विचार जिहड़ी है वह आपां कर चुके हैं। जे मुहाका घर मोहें, घर मोहें पितरींदे। दूसरा जिहड़ा पावन शब्द है उस तो आपां विचार आरंभ करनी है। तो ये शब्द है ज्यों जोरू सिरनावणी आवै वारू वार। तो गुरमुखो इस पावन शब्द विच जो गुरु नानक साहिब पातशाह बचन कहना चाहते ने, ब्राह्मण जिहड़ा सी वह अपने आप नू पवित्र मानता है। और पवित्र इस करके मानता है भी उहदी जात उच्ची है। अपने आप नू पवित्र इस करके मानता है भी मैं ग्रंथ बहुत पढ़ता है, मेरे कोले ज्ञान बहुत है, इस करके मैं पवित्र है। ये भी दावा करता सी भी मेरा जन्म है जिहड़ा वह ब्रह्मा जी दे मुख दे विच्चों होया, मैं इस करके उच्चा हाँ, पवित्र हाँ। ते अपने आप की सुंजम रखने का दावा करता सी, मैं सुचम बहुत रखदा है। अगे जिहड़े शब्द ने सारे इसे प्रथाए आउणगियां दो पौड़ियां। तो इत्थे भी जिहड़ा इस पावन शब्द के अंदर गुरु नानक साहिब पातशाह ने बचन किया, दावा किया, जिहड़े केवल बाहर दे शरीर नूं धो के ये दावा करदे ने असीं पवित्र हो गए हाँ, केवल बाहर दे शरीर नूं पानी नाल धो के ये दावा करदे ने कि असीं पवित्र हो गए हाँ, गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने उन्हां नूं पवित्रता की हुंदी है ते अपवित्रता की हुंदी है इहदे च फर्क जिहड़ा है वह सतगुरु पातशाह ने समझाया। तो आरंभता जिहड़ी है वह सतगुरु पातशाह ज्यों जोरू, जोरू का अर्थ हुंदा इस्त्री। सिरनावणी, सिरनावणी का अर्थ है जो महीने वार उसनू माहवारी आउंदी है। तो पंडित सी जिहड़ा, उसने एक निजम सी जिहड़ा अपने कोलों एक घड़िया सी वी जिहड़े वह तीन दिन हुंदे ने, तीन दिनां दे विच जिहड़ी इस्त्री है वह अपवित्र हुंदी है, इस करके ना वह खाणा बना सकदी है, ना वह खाणा परोस सक वंड सकदी है, ते ना वह चौंकी ते चढ़ सकदी है। तीन दिन, चौथे दिन
फिर उन्हूं अपने शरीर नू इशनान सिर ना ना के कला शरीर नहीं सिर भी ना के फिर जिहड़ा सी उन्हूं शुद्ध होना पैंदा सी। ते पंडित सी जिहड़ा वो तीन दिन उस इस्तरी नू अपवित्र मनदा सी। हुण गुरु नानक साहिब सतगुरु पातशाह कुदरत नाल प्यार करदे ने और सानू कुदरत दे अनुसार रहना सिखाउंदे ने। इस करके गुरु नानक साहिब सतगुरु पातशाह ने कहा भी इहदे विच अपवित्रता वाली किहड़ी गल है, इहदे विच तां कोई अपवित्रता नहीं है। गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे कि इह कुदरत दा प्रकृति दा इक निज़म है, उस निज़म दे अनुसार उहदे शरीर दा ढांचा है। इस करके सतगुरु पातशाह कहिंदे जे केवल ये तीन दिनों दे विच इस्त्री अपवित्र है तो वह अपवित्रता बाहरों ते आई नहीं, वो तो शरीर दे विचों ही पैदा हुई है। जे शरीर दे विचों पैदा हुई है फिर परमात्मा ने बनाई है, तो जे परमात्मा ने यह अपवित्रता पैदा की है फिर अपवित्रता पैदा करने वाला परमात्मा पवित्र किवें हो गया। नुकता बड़े ध्यान ना समझो। इस करके गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे भी नहीं, केवल ते केवल शरीर की प्रक्रिया नूं वेख के कह देना भी ये अपवित्र है ते ये पवित्र है, पातशाह कहिंदे नहीं। जिहड़ी सुचमय जिहड़ी पवित्रता है उहदा संबंध शरीर दे नाल नहीं है, उहदा संबंध साडी आत्मा दे नाल है। ठीक है, सफाई की गल ते वक्खरी है। रात भी एक शब्द आपां विचार कीता सी जिन्हें संगत रात में दीवाना च हाजरी भर दिया ने। कबीर साहब का गुरमुखो एक शब्द आउंदा है बसंत राग दे विच, माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे, आवें जूठे जावें जूठे जूठे मरें अपागे, कहो पंडित कवन सुचा थाऊं जहां बैस हों भोजन खाऊं। इदां करके कबीर साहब कहिंदे भी इदे नाल किसे दे छोण दे नाल जा केवल बाहर दे शरीर दी मैल दे नाल किसी कोई आत्मक तौर दे उत्ते मैला नहीं हो जांदा, कोई अपवित्र नहीं हो जांदा। इस करके एक ते गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने इस्तरी दे हक विच नारा मारिया जिहड़ी एक कुदरती प्रक्रिया चल रही सी उहदे अनुसार ब्राह्मण ने उह अपवित्र मन्निया सी, गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे नहीं। इस करके सिख धर्म के अंदर जिहड़ी है वह ये निज़म नहीं बनाया गया। इसलिए सतगुरु पातशाह कहिंदे ज्यों जोरो सिर नावनी, जिवें भाई इस्तरी नूं हर महीने नहाउणी आउंदी है ते मन्निया पंडित यह कहिंदा सी वी अपवित्रता उहदे अंदरों पैदा हुंदी है, पातशाह कहिण लगे नहीं इह कोई अपवित्रता नहीं है। आवै वारो वार सतगुरु पातशाह कहिंदे इह ते हर महीने आउण वाली कुदरती प्रक्रिया है। जूठे जूठा मुख वसै, जूठे का की अर्थ है अपवित्र। पातशाह कहिंदे आओ दसीए फिर अपवित्र कौन हुंदा है। जूठे जूठे का अर्थ है वह मनुख, जूठे हन वह मनुख अपवित्र हन। कौन? जूठा मुख वसै, जिन्हां दे मुख दे उत्ते झूठ वसदा है, जिन्हां दे मुख उत्ते 24 घंटे झूठ ही झूठ है, पातशाह कहिंदे ओह ने अपवित्रता। क्यों? क्योंकि झूठ प्रकृतक नहीं है, कुदरती नहीं है। नुकता बड़े ध्यान ना समझो, झूठ है जिहड़ा वह कुदरती थोड़ा है, उत्ते बंदे दे वकारां विच्चों पैदा हुंदा है। इस करके पातशाह कहिंदे असल विच अपवित्र ओह ने कौन, जिन्हां दे मुख दे उत्ते सारा दिन 12 महीने 24 घंटे झूठ ही झूठ वसदा है, पातशाह कहिंदे ओ मनुख अपवित्र हन। झूठे झूठा मुख वसै, नित नित होए खुवार। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे ऐसे जिहड़े मनुख ने जिहड़े 24 घंटे वह जबान तो झूठ ही झूठ बोलते ने, वाहिगुरु पातशाह गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे सदा ही वह इस झूठ की गंदगी दे विच खुवार रहिंदे हन। सूचे ए ना आखियां, पातशाह कहिंदे भाई उन्हां नूं कदे भी सुचे नहीं मन्निया जा सकता। बहन जे पिंडा धोए, पातशाह कहिंदे जिहड़े केवल शरीर नूं धो के बह जांदे ने, केवल
ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੀਦਾ। ਸੁੱਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਹੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਜੇ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂ ਡੁੱਕ ਨਾ ਵੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂ ਡੁੱਕ ਨਾ ਵੈ, ਤੈਸ ਜੈਸੇ ਮੇਂ ਡੁੱਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਧੀਰ ਜੋ ਕਰ ਕਰੈ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਖਾਣਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇ, ਨਹਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇਂ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਸੁੱਚਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਚਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਫਲਾਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁੰਨਿਆ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੀ? ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਗੱਲ, ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਓਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਨੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਹੇ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੂਠੀ ਕਰਸੀ ਪਰੋਸਣ ਲਾਗਾ, ਜੂਠੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਇਆ।
पंडित नूं सोध करके कहा। फिर अखीर ते कहिंदे ने गोबर जूठा चौंका जूठा जूठी दीनी कारा कह कबीर तेई नर सुचे साची परी बेचारा। हे कबीर ओही मनुख सुचे ने केवल कड़छियां नूं धोण दे नाल हुंदा सी ना पंडित कड़छी भी धोंदा सी आप ही अपने भांडे भी आप धोंदा सी लकड़ां भी धो के लाउंदा सी। बाबा कबीर साहब कहिंदे नहीं अगन भी जूठी पानी जूठा सब कुछ जूठा ही जूठा है जूठी करसी परोसन लागा जूठे ही बैखाया। इस करके सुचे कौन ने कह कबीर तेई नर सुचे साची परी बेचारा। सुचे ओ ने पवित्र ओ ने जिन्हां दे अंदर गुरु की बाणी दी विचार वस गई है गुरु दी बाणी दी विचार ने उन्हां दे मनां नूं सुचे करता है। इस करके गुरमुख कुछ सौखा जा इहदा अर्थ ये बनता है कि ये दावा ना करिए कि शरीरक तौर दे उत्ते नहाउण दे नाल असी पवित्र हो गए हाँ। पाणी दे नहाउण दे नाल मन नहीं पवित्र हुंदा। पातशाह कहिंदे मन बाणी पवित्र करदी है। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने पंडितां दे नाल भी ये ज्ञान चर्चा कीती है। अगला बचन पौड़ी तुरे पलाणे पौण वेग हर रंगी हरम सवारिया। तुरे दा अर्थ हुंदा घोड़े तुरे तुरंग शब्द गुरु कलगीधर पातशाह ने वरत्या तुरे तुरे दा अर्थ की है घोड़े पलाणे दा अर्थ है काठियां वाले पलाण काठियां समेत। वेग वेग दा अर्थ हुंदा तेज चलना वेग तेज चलना तेज चलते हुण जिहड़े घोड़े हर रंगी हरम सवारिया। हरम हुंदा महल असल च हरम जिहड़ा हुंदा ना हरम हुंदा हरम शब्द ये गुरमुखो फारसी दे विच्चों आया हरम हरम हुंदा जिथे बादशाहां दियां बेगमां रहिंदियां हुंदियां ने उहनूं हरम कहा जांदा सी। इत्थे जिहड़ा शब्द प्रोफेसर साहिब सिंह ने महल कीता ओ महल जिस विच केवल ते केवल बादशाह दियां बेगमां रहा करदियां सन हरम सवारिया। सवारिया दा अर्थ है सजाइयां होण। तां तो गुरु अंगद साहिब पातशाह कहिंदे तुरे पलाणे पौण वेग हर रंगी हरम सवारिया। पातशाह कहिंदे भाई जे मनुखां दे कोल हवा वर्गे तेज पातशाह कहिंदे ने घोड़े होण ते सोहणियां काठियां वाले होण हर तरह के नाल ओ घोड़े शंगारे होण ते सतगुरु पातशाह कहिंदे हर रंगी हरम सवारिया। पातशाह कहिंदे ते उन्हां दे जिहड़े महल ने जिहड़ियां महल माड़ियां ने उन्हां दे वड्डे वड्डे पसारे होण ते उन्हां विच बैठे ओ हंकार दे विच बैठे होण हर रंगी हरम सवारिया। कोठे मंडप माड़ियां कर बैठे लाए बैठे कर पसारिया। कोठे मंडप माड़ियां कोठे मंडप माड़ियां दा मंडप हुंदा गुरमुखो महल समयाने वड्डे वड्डे लाए बैठे कर पसारिया दा अर्थ है पसारा करके बैठे होण हंकार दे विच चौड़े होके बैठे होण आसे पासे नौकर चाकर होण मूहरे लोग मत्था टेकदे होण ते अपने महलां विच उच्ची थां ते बैठे होण। जिन्हों धन गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे। माते मतंग की हुंदा मस्ते हुए हाथी बड़े सोहने रंगां दे सजाए हुए होण जड़े हुए होण। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग करोड़ा घोड़े होण। किहो जे होण तुरंग से कूद कुरंग से कूदत हिरना दे वांग इंज फुरतीले नचदे होण एडे सोहणे घोड़े। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जातन वारे हवा तो भी तेज चलदे होण भारी पजान के भारियां बाहवां वाले ताकतवर भारी पजान के पूप भली बिद सूरमे राजे नियामत सीस तेरे अगे सीस भी नवाउंदे होण ना जात विचारे गाली ना विचारदे होण कोई। पातशाह कहिंदे एते भई तो की हो गया जे इन्ना कुछ प्राप्त कर भी लएंगा ते सोहणे हाथी सोहणे घोड़े तिर चलण वाले वड्डे वड्डे सूरमे वड्डे वड्डे महाबली राजे
तेरे ते नमस्कारा भी करते हो मथा भी टेकते हो एते पए तो कहा पए भूपत ऐ राजो इन्ना कुछ प्राप्त कर लवोंगे फिर भी की हो जाना है अंत को नंगे ही पाए पधारे अंत नूं ते पैरां दी जुत्ती भी नाल नहीं जांदी नंगे पैर जाना पैंदा कोठे महल माड़ियां ते इत्थे कित्थे नाल जाने है यही बचन पातशाह इत्थे कह रहे ने चीज कर नमन भाव दे कहिंदे ने चीज करन मन भावदे मन भौंदियां चीजां करदे होण अर्थ की बनिया इहदा चीज करन मन भावदे मन भौंदियां चीजां करदे होण अर्थ की बनिया भी मन भौंदे हुक्म चलाउंदे होण हुंदा ना राजे लोक भी जिहड़ा मुख दे विच्चों मूंह चो बोल दिता गया कहिंदे इही हुक्म है जी राजे दा कोई कानून नहीं है कानून की है जो राजे ने मूंह विच्चों बोल दिता कहिंदे कानून है बस पातशाह कहिंदे एहो जे राजे होण वड्डे वड्डे महलां च रहिंदे होण ऐ तख्तां दे उत्ते पसारा करके बैठे होण ते जो मुख विच्चों मूंह मुच बोलण कहिण लगे उही हुक्म बणदा होवे चीज कर नमन भावंदे हर बूझण नाही जे इन्ना कुछ प्राप्त करके हरी नूं नहीं बुझिया परमात्मा नूं नहीं जाणिया हारिया ते पातशाह कहिंदे फिर जिंदगी दी बाजी हार जांदे है सब कुछ जित जांदे है पर जेकर इन्ना कुछ प्राप्त करके परमेश्वर नूं नहीं जाणिया हरी नूं नहीं जाणिया ते पातशाह कहिंदे दुनिया दियां जित्तां जित्तण वालिया जिंदगी दी बाजी हार जाएगा रब दे करते नूं हार मिलनी है जिवें एक एक बचन आउंदा ना बाबा कबीर साहब दा कबीर है गै वाहन सगन कन छत्रपति की नार तास पटंतर ना पुजे हर जन की पनहार कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी कौमान ते जवाब की मिलदा ओ मांग सवारै अपना ओ सिमरै हर नाम कबीर साहब दे कोल सिकंदर लोधी दी बेगम आई गुरमुखो ऐ रास्ते सवार होके आई छत्र झूलदा और ऐ सज धज के आई सज धज के ते कबीर साहब नूं हुक्म बचन भेजिया भी कबीर साहब दर्शन करना चाहुंदी है सिकंदर लोधी दी बेगम कबीर साहब कहिंदे असी इस्तरी दे मत्थे नहीं लगदे इहनूं लै जाओ वापस भेजता जी चेलियां ने सवाल किया कहन लगे तुसीं कहिंदे हो भी इस्तरी नूं असी मत्थे नहीं लाउंदे राजे दी सिकंदर लोधी दी बेगम आई वापस भेज दित्ती ते आ इस्तरी तुहाडे आश्रम च फिरदी है पानी भरदी सेवा करदी इहनूं 24 घंटे इहदी वडियाई करदे हो एक इस्त्री ऐसी सी जिहड़ी उहनां दे द्वारे उत्ते आउंदी सी सेवा करदी सी इस तुसीं इस नूं तां बड़ा सन्मान दिंदे हो कबीर निरप नारी क्यों निंदी है राजे दी इस्त्री नूं क्यों निंददे हो क्यों हर चेरी को माण अपनी चेली सेवका इह वी तां इस्त्री है इहनूं माण क्यों दिंदे हो कि जवाब की मिलदा है कहन लगे ओ मांग सवारै बिखै को जिहड़ी ओ राजे दी इस्त्री आ ना ओ अपने आप नूं सवारदी है शिंगारदी है पर कादे नाल बाहर दे गहिणियां दे नाल केवल शिंगारदी है शरीर नूं बाहर दे गहिणियां दे नाल ते गहिणे नाल शिंगारन दा फिर मकसद की हुंदा है केवल ते केवल वकारां नूं भोगना अपने शरीर नूं शिंगारदी है गहिणियां दे नाल ते शिंगारदी क्यों है वासना नूं भोगना जिहड़ी ये साढ़े दर दे उत्ते ये स्त्री फिरदी है ये शिंगार करती है अपने मन का नाम जप के ये शिंगारदी है अपने मन नूं नाम जप के ओ मांग सवारा विखै को ओ सिमरै हर नाम ये हरी का नाम जप के अपने मन नूं शिंगारदी है इस करके भाई ऐसी स्त्री दे तां दर्शन करने वडभाग हन दोने गल कही जे कोई नाम जपण वाला कहन लगे अंदर नूं सवारदा अंदर नूं शिंगारदा दर्शन वडभागे नहीं उहदे इसे तरह दे नाल सतगुरु पातशाह कहिंदे चीज करन मन भावंदे हर बूझण नाही हारिया कर फरमाइश खाया पातशाह कहिंदे तरह तरह दे हुक्म करके ते तरह तरह दियां फरमाइशां करके तरह तरह दे भोजन खांदा कर फरमाइश खाया फरमाइशां कर करके खांदा इंज करके आ चाहीदी है आ चाहीदी है आ चाहीदी है
बादशाह कहिंदे होना की इहदे नाल, इह तां जबान दा स्वाद है, केवल चस्क है जबान दा। कर फरमैश खाया वेख महलत, ते अपने महिलां नूं वेख के मरन वसारिया मौत नूं भुल गया। तरह तरह के हुक्म करदा, तरह तरह के फरमैशां दे खाने खांदा, पर पातशाह कहिंदे देखो इहदा अर्थ इह नहीं लैणा वी चंगा खाणा नहीं खाणा, खाणा है चंगा खाणा, खाणा चंगा खाणा है। गुरु घर दे विच ते गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे सब तो श्रेष्ठ जिहड़ा खाणा सी ना गुरु घर बणदा सी। अकबर बादशाह गुरु घर दे विच आया, उन्हें लंगर छकिया, ते गुरु अमरदास साहिब नूं कहिंदा दाता इन्ना आनंद कदे भी मेरे महलां दे भोजन विच भी वह आनंद नहीं जिहड़ा तुहाडे लंगर दे प्रशादे दे विच है। पातशाह कहिंदे ये हरी दा नाम जपदिया होया तैयार होया, ये क्यों स्वाद है, ये बाणी पढ़दिया होया तैयार होया गुरमुख। और ये मस्कीन साहब तो ये गल कहिंदे भी हुंदे सी कि बीबिया भैन जिदा का बनाउन वाला जिदा दे कर्म करदिया बिरती दे नाल खाना बनाउंदा खाण वाले ते उही असर हुंदा है। इस करके ये असी अज भी मनते हाँ भी लंगर जो खाना बनता हो उदों नाल नाल वाहेगुरु का जाप चलना चाहिए, नाल नाल बाणी पढ़ी जानी चाहिए। कल्ले लंगरां विच ही क्यों, घर दे विच भी होवे, बीबियां भैणां खाना बनाउंदियां नाल नाल गुरु गुरु जपना तो खाण वाले दे उत्ते भी असर होएगा, खाण वाले ते भी। ते जे खाना भी बन रहा है ते नाल नाल निंदिया चुगली भी चलती पई है, फिर खाण वाले का कित्थे मन शांत होना है। मस्कीन साहब इस गल उत्ते बड़ा जोर दिंदे होंदे सी, इसलिए पातशाह कहिंदे ने कर फरमायश खाया वेख महल तमरन वसारिया, जर आई जदों बड़े पा आया जो बन हारिया ते तेरी जवानी हार गई, तेरी जवानी हार गई। किहदे अगे हार गई, बड़ेपे दे अगे हार जांदी है गुरमुखो जवानी, वड्डियां वड्डियां जवानियां बड़ेपे दे अगे हार जांदियां ने। आपां कहिंदे बड़ेपा कमजोर हुंदा, गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे बड़ेपा ताकतवर हुंदा। आपां कहिंदे जवानी ताकतवर है, साडी फिलोसफी इह है ना वी जवानी ताकतवर है बड़ेपा कमजोर हुंदा। गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे बड़ेपा ताकतवर है, जवानी नूं हरा दिंदा। जर आई जोबन हारिया, जवानी हार गई बड़ेपे दे सामने। ताकतवर कौन है, बड़ेपा, ते बड़ेपे च ताकतवर है मौत, बड़ेपे नूं वी हरा दिंदी है। इस करके सतगुरु पातशाह ने इस पावन बचन विच गुरमुखो यही कहा है। पातशाह कहिंदे बंदिया ना तो यह दावा कर, जो पहला शब्द सी जे मुहाका घर मोह है, भी तू अगे परमेश्वर दे नाम तो बिना कुछ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचना। दूजा बचन ये कहा केवल बाहर दे पिंडे नूं धो के दावा ना कर मैं पवित्र हो गया। ते तीजा बचन पातशाह जी ने यह कहा, सतगुरु पातशाह कहिंदे आ जिहड़े धन पदार्थ ढेर ला के हुक्म चलाउणा है, ये तेरी जिंदगी दी बाज नूं हराउण दे विच सहायक बनते ने। इस करके भाई परमेश्वर के नाम को जप, ज्यौदिया तेरे आत्मा पवित्र भी परमेश्वर के नाम ने करना, तेरे नाल भी परमेश्वर के नाम ने जाना, ते तेरी जिंदगी सोहना भी गुरु की बाणी ते परमेश्वर के नाम ने करना है। रब न भुल के पातशाह कहिंदे जिंदगी की बाजी दुनिया के लोग हार के चले जाते हैं, जर आई जो बन हारिया। सतगुरु पातशाह कृपा करन, गुरमुखो गुरु नानक साहिब पातशाह जी का प्रकाश पुरब अज प्रकाश हो जाना है। एक मैं बेनती सब नूं करांगा तुहाडे चरणां दे विच, एक हुंदा जन्म लैना, एक हुंदा प्रगट होना। हुण जिवें सूरज है, सूरज प्रगट कदों हुंदा, सवेरे प्रगट हुंदा ना, सूरज अर्थ की बनिया जदों सानू दिखदा उदों वह प्रगट हो गया। प्रगट होने का अर्थ है सामने आ जाना, प्रतख हो जाना। इस करके बाबे दी असी ये वेखो प्रभात फेरियां आउंदियां ने, असी बाणी पढ़ते हाँ सुनते हाँ, पर यह गल चेता रखो
गुरु नानक साहिब पातशाह ते 550 साल पहला प्रगट हो चुके ने संसार ते, पर की साडे मन विच बाबा प्रगट होया है, कि साडी जिंदगी चानण होया है। देखो गाउंद हर साल गाने आप, मिट्टी धुंद जग चानण होया, मिट्टी धुंद जग चानण होया, पर की अज्ञानता की धुंद मिट गई, कि पखंड की धुंद मिट गई, कि कर्मकांडा की धुंद मिट गई, कि ज्ञान का चानण विवेक बुद्ध का चानण, कि गुरमुखो जात पात की धुंद मिट गई, धर्मां की नफरत की धुंद मिट गई। आप कहांगे नहीं मिटी, तो फिर किदां कह सकते हैं भी प्रगट होया। बाबे ने प्रगट उस दिन होना है जिस दिन साढ़े अंदरों जात पात की धुंद मिटेगी, पखंडा की कर्मकांडा की अज्ञानता की धुंद मिटेगी, तो साढ़े अंदर बाणी का वासा होगा। असी कह सकते हैं भी मिट्टी धुंद जग चानण होआ। सतगुरु पातशाह कृपा करन, भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।